कविता का नाम है गूंग महल। जब भी अकेला होता हूँ या मुझे लगता है कि परेशान वक्त में कोई चीज़ मुझे थोड़ी राहत दे सकती है तो ये कविता है। कविता क्या है, ये एक कहानी है और कविता की शक्ल में है और इसमें ये खोज की गई है कि ईश्वर की ज़बान क्या है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, गूंग महल। खुली बहसों को दावत देना रवादार शहनशाहों को भी परेशानी में डाल देता था। हिजरी 987-88 के दौरान दीवान खास में जब इस बात पर मुबाहिसा हुआ कि खुदावंद की बनाई सबसे उम्दा शय अशरफुल मखलूकात आदमजाद की वाहिद पैदाइशी मुकद्दस जबान क्या थी, तो काजी और उलमा इस पर यकराए थे कि अल्लाह की जुबान अरबी है, जिसमें उसने कुन कहकर कायनात को वजूद बख्शा और किताबुल मुबीन को नबी पर तारी किया। उधर ब्राह्मण और दूसरे दरबारी सवर्ण पूरी भयभीत विनम्रता किंतु क्षमा याचना भरी दृढ़ता से कहते रहे कि वेद जो सृष्टि के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और ईश्वर विरचित ही हैं, चूंकि संस्कृत में है जिसे नाम ही देव भाषा का दिया गया है, अतएव इस पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है कि परम ब्रह्म किस वाणी में बोलता है। मंद स्वर में उन्होंने पाणिनि का भी उल्लेख किया। अनपढ़ होने के बावजूद आ के जीशान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसे चीज़ों के साथ तजर्बे करने और उन्हें सही या बातिल साबित करने में बेदार दिलचस्पी थी। चुना उसने 20 हामिला हिंदू मुसलमान औरतों को, जो कमोबेश एक ही वक्त में मां बनने वाली थीं, और जच्चगी के फौरन बाद भेज दिया गया फकत उनकी औलादों को उस महल में जिसे आगरे में दूर नीम बियाबान में खास इसी मकसद से आनन फानन बनवाया गया था, जहां सिर्फ धाएं थीं और आयाएं और चंद दूसरे अहलकार औरत मर्द, जिन सबको हुक्म था कि उनके मुंह पर पट्टी रहेगी, वे पालेंगे इन बच्चों को लेकिन उनसे और आपस में कतई बोलेंगे नहीं, वरना उनकी जुबान कलम कर दी जाएगी और उस महल में जो दूसरे कारिंदे आएंगे वे भी अपना मुंह बंद रखेंगे। मुआवजे दिए गए थे इन बच्चों के वास्ते या इन्हें निज़ाम के काम से तलब कर लिया गया था, यह पता नहीं चलता। यही बताया गया है कि जिल्ले इलाही जानना चाहते हैं कि ये बच्चे जब बोलने लायक होंगे तो कौन सी जुबान बोलते पाए जाएंगे, अरबी, संस्कृत या कोई और। महीने बीत गए, 3-4 बरस भी, कि आलम पनाह को फतेहपुर से दूर उस महल की याद आई जिसकी बेजुबान खामोशी की वजह से आसपास के काश्तकारों गुजरों ने उसे नाम दे दिया था गूंग महल। 10 अगस्त 1582 को गया बादशाह। अपने बहस करने वाले दरबारियों के साथ उस इमारत तक जहां भी गूंगे बने हुए औरत मर्द पाल रहे थे बच्चों को, इन बरसों में मुंह पर पट्टी बांधे कारकुन लाए थे रसद तनख्वाहें और बाकी साजो सामान। चुप्पी तुड़वाई अकबर ने 48 महीनों की और हुक्म दिया औरतों को जिनके गलों की नसें तक जड़ हो चुकी थीं और जो अब खुद सिर्फ इशारों में बात कर सकती थीं कि बच्चों को हाजिर किया जाए आलीजाह मुल्लाओं पंडितों आलमों के सामने। पेश किए गए 20 बच्चे जो बेहद सहमे हुए थे, ऐसे और इतने इंसान उन्होंने कभी देखे न थे, लेकिन कहा महावली ने मुस्कुराकर उनसे अरबी में, बोलो। घबराकर पीछे हटने लगे बच्चे। तब शहनशाह ने पुचकार कर एक से संस्कृत में बोलने को कहा। इशारा पाकर सभी उलेमा और पुजारी हौसला बढ़ाने लगे बच्चों का अलग अलग दोनों भाषाओं में। कुछ गुंगियाने लगे पीछे हटते हुए, कुछ कुत्ते सियारों भेड़ियों की तरह रोने लगे, कुछ नर्राने लगे दूसरे जानवरों परिंदों की मानिंद। बादशाह ने तब उनसे तुर्की दक्कनी उर्दू ब्रज कौरवी सब में कहा बोलने को। 50 दरबारी और भी जुबानों में इसरार करते रहे उनसे। अब बच्चों की आंखें निकल आई थीं, उनके कंपते बदन ऐंठ रहे थे, वे मुंह से झाग निकालने लगे। कुछ ने दहशत में पेशाब और पाखाना कर दिया।
फिर वे दीवार के सहारे दुबक गए एक कोने में पिल्लों की तरह, और उनके मुंह से ऐसी आवाज़ें निकलने लगीं जो इंसानों ने कभी इंसान की औलाद से सुनी न थी। थर्रा गया अकबर इसके मायने समझकर, कलेजा उसके मुंह में आ गया। वह यह तो कहता था कि दुनिया में पैगंबर अनपढ़ हुए हैं, चुनांचे हर खानदान में एक लड़का उसी तरह उम्मी छोड़ा जा सकता है, लेकिन बच्चों को इस तरह गूंगा देखने का मादा उसमें न था। उसने चीख कर हुक्म दिया, बोलना शुरू हो यहां बेखौफ और मनचाहा। सौंप दो इन बच्चों को इनके वालदैन सरपरस्तों को, फौरन खाली करो इस मनहूस महल को, आइंदा यहां ऐसा कुछ ना हो। यह पता नहीं चलता है कि उन बच्चों के कोई अपने बचे भी थे या नहीं। उन 20 माजूरों को किस किस ने पहचाना और अपनाया, उन्हें कभी कोई जुबाने आई भी या नहीं, वे अपने घर बसा पाए या नहीं। चुन दिए गए गूंग महल के सभी रोशनदान खिड़की दरवाजे, आसपास के गांवों में अफवाह फैल गई कि उसके भीतर से अब भी गूंगों की जानवरों जैसी आवाजें आती हैं। धीरे धीरे ढह गया गूंग महल। कुछ बरसों तक रहे खंडहर में सियार लोमड़ियां और चमगादड़ें। आगरा के पास के शाही तजर्बा गाह का तो क्या, उस फैजाबाद का भी कोई नामो निशान नहीं मिलता जहां एक दिन पहले बादशाह सलामत ने मकाम फरमाया था। अकबरनामा में उस रात जिल्ले इलाही की तहज्जुद की नमाज की यह दुआ भी दर्ज नहीं है कि कभी कभार मैं तेरे नबी को लेकर हंस लेता था, लेकिन मेरे अल्लाह मेरा यह आजमूदा कुफ्र भी माफ़ कर कि खुदाई जुबान जैसी कोई चीज़ नहीं है। वह शायद इसलिए कि जब अकबर ने यह फरियाद की तो उसके बहुत कुछ जान चुके जहन का एक कोना एक नए खौफ के मारे हमेशा के लिए गूंगा हो चुका था।